लिटिल शेफ जो है ना, वो कैसे बेल रही है, उसको कितना तरीका है बेलने का। यम्मी। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी हैं। ये देखें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे इस न्यू किचन में ना फर्स्ट टाइम आ रही है सोलो, मतलब सोलो, पहले तो आई हुई थी ना अनमोल के साथ, आज आ रही है फर्स्ट टाइम आयर। पिकाबू किया है, कह रही मैंने पिकाबू किया। तो आयर आयर आई है फर्स्ट टाइम किचन विद आमना के इस सेट में। तो आपकी कौन सी रिक्वेस्ट है जमाओ पूरी के, जिस वजह से आप यहाँ पे किचन में आई है, बता दे मुझे। मैं नहीं, आपने आज क्या बनाना है किचन विद आमना के सेट पे? समोसा। तो समोसे का मतलब क्या है, क्योंकि मैं ना जब भी हम समोसे बनाते हैं तो ये कहती थी कि मम्मा, जब समोसे घर में बनाते हैं तो मम्मा कहती थी मम्मा वो जो ऊपर वाला है ना ये समोसा है। तो मैं आलू तो ये खाती नहीं है अंदर से, लेकिन ऊपर वाला जो पापड़ होता है ना जिसे कहते हैं क्रिस्पी, उसको समोसा कहती है। मतलब उस तरह के ना नमक पारे मिलते हैं, तो इसको पता नहीं है कि ज्यादा मिलते नहीं है, इसलिए हम घर में बना लेते हैं। तो नमक पारे कह रही है कि मैंने खाने हैं, और मम्मा आप बनाना सिखाओ, क्योंकि इंस्टा पे जब मैंने एक स्टोरी डाली थी ना तो सबने इतनी ज्यादा पसंद की, सबने कहा आप लोग आप अपना आप जरूर बनाना सिखाएं इतने जबरदस्त क्रिस्पी से नमक पारे। तो आया भी मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मम्मा आप मेरे लिए नमक पारे बनाएं इस सेट पे आके। वो कह रही थी मम्मा मैंने साथ खड़ी होके ना आपके साथ शूट करना है और देखना है आप नमक पारे कैसे बनाती हैं, और बार बार छुप रही है। आई एम एक्साइटेड हूँ कितनी ज्यादा, ज्यादा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो चले जी, वैसे ये जो रेसिपी है ना ऑयल वाली है, बच्चों को दूर ही रखना चाहिए, लेकिन मैं जब फ्राई करने लगूंगी ना तो मैं आपके पीछे कर दूंगी, ठीक है। तो चले जी, अब आपको दिखाते हैं जबरदस्त से फूले फूले से क्रिस्पी क्रिस्पी से नमक पारे कैसे बनते हैं आज, एक्साइटेड। तो चलिए जी, नमक पारे बनाने के लिए यहाँ पे हमने चीजें ली हुई है, वो क्या है आपको दिखाते हैं। नमक पारे बनाने के लिए यहाँ पे हमने मैदा लिया है 1 कप, पानी लेंगे हस्बे जरूरत, नमक लिए हमने यहाँ पे 1 टीस्पून, घी लिया है यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून, और जीरा लिया है साबुत वाला हस्बे जरूरत। तो जीरा आपकी मर्जी, आप अगर आप पसंद करते हैं तो डाल दें, अगर नहीं करते ना डालें, वैसे जीरे से ही टेस्ट आता है। तो चले जी, अब हम आटा गूंदते हैं, क्योंकि आयत तो आटा गूंद नहीं सकते, तो मम्मा ही गूंदेगी ना, है ना आयत, आपको तो आता नहीं ना। तो मैदे में ऐड करेंगे नमक, कोई सोडा ऐड नहीं करना, सिर्फ नमक और थोड़ा सा जीरा बस, क्योंकि आयत और इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा आपने डालना, चलो डाल दो, ये लो डाल दो, थोड़ा सा पकड़ के डालो। चले जी, आयत भी डाल रही है, चले। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये घी, मैं घी नहीं, अम्मा के हैंड बढ़ गई है ना, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे फिर, ठीक है। चले, अब घी ऐड करके ना हम आटे के साथ, मतलब मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लोग यहाँ पे ना मुझे ये पूछते हैं कि आमना अपी आपने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया था या बेकिंग पाउडर ऐड किया था, कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ नमक ऐड किया और थोड़ा सा जीरा ऐड किया, और मैदे के साथ हम बना रहे हैं आटे के साथ में, क्योंकि मैदे के साथ टेस्ट आता है। अब इसको ना घी और मैदे को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, कि लगे ही ना इसमें हमने घी ऐड किया, बिल्कुल मैदे के साथ मिक्स हो जाए। क्यों आया, समझ आ रही है? हाँ। आ रही है उसको समझ। चले, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डो को गूंद लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छा, डो आपने सॉफ्ट नहीं गूंदनी, थोड़ी सी सख्त सी गूंदनी है, क्योंकि मैदा जो होता है ना वो बाद में ना सॉफ्ट हो जाता है। पानी थोड़ा, आज भी कह रही है पानी थोड़ा ऐड करना है, थोड़ा पानी ऐड करना है। आज स्कूल भी जाना शुरू हो गई हुई है, इसलिए आज की जो फरमाइशें हैं ना वो बढ़ती जा रही हैं, है ना, खस रही है। अच्छी तरह से इसको हमने गूंदना है, 1-2 मिनट लगा के ना अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ये देखें डो कैसी है, डो सॉफ्ट नहीं है और ना बहुत ज्यादा सख्त है, ठीक है, नॉर्मल है। थोड़ा पानी डालना। तो यहाँ पे आयत फिर से छुप गई है, वो पीकाबू करना चाहती है। आयत स्टैंड अप। तो ये देखें जी, आटा जो है ना, डो जो हमने गूंद ली है, अब इसको कवर करके रख देंगे हम 10 मिनट के लिए, ठीक है, 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद हम बनाएंगे समोसा। आयत की जुबान में समोसा और वैसे नमक पारे। नमक पारे क्या? नमक पारे। आए, नमक पारे कह दिया, ठीक है। अरे जो क्रिस्पी क्रिस्पी खाती हो ना, वो नमक पारे होते हैं।
ओके अभी अब इसको साइड पे रखते हैं 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के बाद आपको मिलते हैं। चलें जी 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो डो है ना वो भी सेट हो चुकी है। हाँ। अब ऐसा है कि हमने इसको बेलना है, तो एक ही पेड़े को मैं बेल लूंगी आराम से। पहले हम मैदा डस्ट करते हैं उसके बाद इसको बेलते हैं। हाँ। यहाँ में हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको प्रेस करेंगे इस तरह से। आए देख रही हैं आप, इसको हमने बेल लेना। ठीक है मम्मी, मेरा चलिए आप भी बेल रही हैं। आजा अभी बेल रही है। तो आप किसके लिए बेल रही हैं रोटी? मम्मा। चलिए अब थोड़ा मैं हेल्प करूं, मैं हेल्प करूं। चलिए मम्मा करती हैं। ये देखें इसको हमने बेल लेना। मम्मा बेलती है ना, फिर आपके वो समोसे बनेंगे। ठीक है नमक पाड़े आपने जी। बड़ी सी रोटी हमने बेल ली है और आय जो है ना आय नाराज हो गई है, कह रही है मैंने भी बेलनी है मम्मा। यार देखिए जी लिटिल शेफ जो है ना वो कैसे बेल रही है, उसको कितना तरीका है बेलने का है। आये आये डेली मम्मा के साथ मम्मा से लेती होती है आटा और बेलती होती है रोटी को। चलो ठीक है हो गया। चलें जी ये देखे जी मेरी माशाल्लाह से मेरी बेटी आयत ने ना सारी रोटी बेल ली है और जबरदस्ती बेल ली है। अब इसकी करेंगे हम कटिंग। चलो कटिंग करते हैं। इसको हम काटेंगे सेंटर से पहले इस तरह। अब इस तरह हमने काटते जाने हैं। ठीक है इस तरह। चले जी आयत जो है ना आयत जिद कर रही है, कहती मामा मैंने काटना है, तो एक हम आयत और मामा मिलके काटते हैं। चलो आयत आजे आजे। आय नाराज हो जाती है, आय मम्मा आय काटेंगे। ये देखो जी अच्छे नहीं जोर से नहीं दुआना आपने अच्छे, कि बच्चे ना जिद करते हैं ना, तो बच्चों की बात मान के ना उनसे मिलके कटवा लेते हैं, साथ किचन में हेल्प ले लेते हैं। किचन में ना बच्चों के साथ ना ऐसे कर लो, बच्चे हैप्पी हो जाते हैं। चले आप मम्मा काटे। चले तो मैं करती हूँ। चलो सारे हो चुके हैं, अब इसको हम करेंगे फ्राई। चलो आए सारे हो चुके हैं और सारे आयत ने किए हैं मम्मा के साथ मिलके। तो आए फ्राई करें इसको। तो फ्राई करने के लिए मैंने वहां पे बर्तन रख दिया हुआ है, बस हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। अब इसको हाथ लेंगे नाम में। ठीक है ओके ओके बेबी। चले अब हमने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया, देसी कढ़ाई जिस तरह से हलवाई वगैरह बनाते हैं ना सेम उसी तरह से मैंने कढ़ाई ली है। इस तरह की फ्लेम ऑन करेंगे, ऑयल फ्रेश ऑयल साफ ऑयल। चले जी यहाँ पे हमारा जो ऑयल है ना वो गर्म हो चुका है और अब इसमें हम ऐड कर देंगे और फ्राई कर लेंगे। वो देखें जी फूलना स्टार्ट हो गए हैं और आयत मुझे निकाल निकाल के देती जा रही है। आयत मम्मा की हेल्प कर रही है। आयत निकाल के देती जाओ। हाँ शाबाश मेरा बेबी। और निकालें ये देखें जी यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं हमारे। आयत को मैंने जो है ना साइड पे कर दिया हुआ है ताकि आसानी से ना हम फ्राई कर लें। ये इनका भी गोल्डन ना कलर जो होता है ना उस तरह का लाना है हमने, फिर इसको निकालना। आयत जो है ना वो मम्मा की हेल्प कर रही है, मम्मा को निकाल निकाल के दे जा रही है ताकि मम्मा ना इजी से ना आराम से ऑयल में डाल दें। अच्छा यहाँ पे आपने एहतियात रखना है, ऑयल को गर्म तो कर लेना है लेकिन ऑयल को तेज नहीं रखना। अगर आप तेज रखेंगे ना तो वो जैसे पूरी नहीं होती उसकी तरह नरम हो जाएगी। आपने गर्म करके उसको डाल के फ्लेम को आपने लो कर देना है और लो फ्लेम पे आपने इसको आराम से फ्राई करना है। अगर आप क्रिस्पी चाहते हैं ठीक इस तरह करना है, फिर वो क्रिस्पी होंगे और प्यारा सा कलर आएगा वरना जल जाएंगे। तो यहाँ देखें जी ये फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। इस तरह का कलर चाहिए हमें। सारा ऑयल अच्छे से निकाल लेंगे, अगर नहीं भी निकलेगा ना तो यहाँ पे मैंने छाननी रखी हुई है इसमें ऐड करूंगी और सारा ऑयल आराम से निकल जाएगा। अब बाकी के भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जी जबरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे नमक पारे रेडी हैं। आप इतने ज्यादा बना के ना एक टाइप में भी रख सकते हैं और 15 दिन तक ना आप इंजॉय कर सकते हैं एक टाइप जार में रख के। तो आप आयत इसको टेस्ट करेगी और मुझे बताएगी कि आयत को नमक पारे कैसे लगे। ठीक है आयत? ठीक है ठंडे वाला दूंगी आयत को मैं। आयत ये टेस्ट करें।
किसे? सामने देख के बताए ना, यम्मी। तो यहाँ पे आयतु जो है ना बहुत ज्यादा यम्मी लगी है, तो मैं आपको साउंड भी सुना देती हूँ कितने क्रिस्पी और जबरदस्त हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। इसको अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद एयर टाइट जार में डालें और 15 दिन तक एंजॉय कीजिए जबरदस्त। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी है। ये देखें, ये देखें, खस्ता खस्ता। तो अब हम इसको डिशॉल्व करते हैं, फिर दिखाते हैं, ठीक है? यम्मी लगे ना, मम्मा भी टेस्ट करे। इसको हम डालते हैं डिश में। टी टाइम का टाइम हो चुका है, तो अब हम करेंगे एंजॉय चाय के साथ। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हाँ, और एंजॉय, और अपने बच्चों के साथ आप लोग भी ट्राई करना। हाँ ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई करना। आए पहले भाई तैयारी है, तो आए तो आपको अच्छा लगा, कितना ज्यादा अच्छा लगा, और आए एंजॉय कर लिया, खाई जा रही है। तो आप लोग भी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरी क्यूट सी बेबी आए तो आपको कैसी लगी। तो आप मिलेंगे आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ।